यस yes. तो अपने किए आप लोगों ने क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे रेशियो के, तो टेन टू फिफ्टीन तक के क्वेश्चंस किए आप लोगों ने. मैम एक्चुअली आई हैव अ डाउट. ओके यस आस्क. मैम कैन यू एक्सप्लेन द सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब डुप्लीकेट रेशियो वंस. डुप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट. सी व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो, व्हेन वी टेक द स्क्वायर ऑफ द नॉमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2/5 एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो, सो वॉट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/5 इज 2 × 2 एंड 5 × 5. दैट मीन्स 4/25. सिंपली इन डुप्लीकेट वी डू स्क्वेयर एंड इन सब डुप्लीकेट वी गो फॉर स्क्वेयर रूट. लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड क्वेश्चन सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/25. नाउ वॉट यू आर सपोज टू डू इज रूट 4/√25. सो रूट 4 इज 2 एंड रूट 25 इज 5. दिस इज सब डुप्लीकेट. So, ma'am, basically, sub-duplicate is opposite of duplicate, and यस sub-triplicate is opposite of duplicate ratio. ट्रिप्लीकेट. यस Okay, ma'am. ओके. एनी अदर डाउट एनीबडी एल्स? मैम एक्चुअली कल मैंने ज्वाइन नहीं करा था, तो आप 7th वाला क्वेश्चन बता सकते हैं वापस कर. हाँ हाँ बिल्कुल. 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा कंटिन्यूड का क्वेश्चन है ये. ठीक है देखो 7th वाला क्वेश्चन वापस देखो. इफ ए इज टू बी इज इक्वल्स टू 2:3, बी इज टू सी इज इक्वल्स टू 4:5, क्वेश्चन ने आपको क्या फाइंड करने बोला? ए रेशियो, सी फाइंड करो. देखो ये चीजें हमको क्वेश्चन ने दे रखी थी, ये आपको दे रखा है एंड ये दे रखा है. एक फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपने कंटिन्यूड रेशियो वाला एक कॉन्सेप्ट देखा था. क्या होता है कंटिन्यूड रेशियो हुसैन? कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है? एक का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर होता है. हाँ, एक का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर बन जाएगा. मतलब जैसे इधर बी है, दोनों जगह बी सेम है ना, तो बी का जो रेशियो का वैल्यू है ना, ये टर्म ये भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ये कंटिन्यूड रेशियो बोलता है कि जैसा आपने ये लिखा ए बाय बी इज इक्वल्स टू बी बाय सी, ये कंटिन्यूड रेशियो है. ये दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए. क्या इस क्वेश्चन में ये दोनों सेम है क्या? नहीं, नो सेम नहीं है. तो हमने सेम बना दिया. कैसे बनाया? देखो 2/3 में, 3 में किसका मल्टीप्लाई किया? 4 का. एंड 4 में किसका मल्टीप्लाई किया? 3 का. तो दोनों जगह 12 आ गया. अभी ये क्यों करा? क्योंकि एलसीएम आता है कितना? 12. 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, तो ओके 3 में 4 को मल्टीप्लाई करा, 12 आया. एंड अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा था कि जो आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे वही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. वो यहाँ कर दिया, ये 8 आ गया एंड ये 15 आ गया. अब आपकी बी की वैल्यू दोनों जगह सेम हो गई. सेम हो गई तो आपने ये रेशियो बना करके लिख दिया, ए की वैल्यू 8, बी का 12, सी का 15. 8, 12, 15. क्वेश्चन ने आपसे ए रेशियो सी पूछा था, तो वो आपने बता दिया 8 और 15, 8:15. ओके अगर ए इज टू बी पूछता तो वो 8:12 आ जाता, बी इज टू सी पूछता तो 12:15 हो जाता. ऐसा अपन कर देते पूरा. ठीक है, आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं.
किए आपने 10 to 15 तक के क्वेश्चंस? किस किसने सारे क्वेश्चंस कर लिए? नहीं किए? याद ही नहीं आया या हुए नहीं या क्या था? ओके पूछते हैं। देखो प्रियांशु आपने करे क्वेश्चन सारे? नहीं ऐसे कोई बात नहीं, बता दो नहीं किए तो बोल दो। नहीं करे मैम। देखो अब आप स्टार्टिंग में ही ऐसे कर रहे हो है ना, क्वेश्चंस दिए और आपने करे नहीं। तो ये है बट कंफर्म नहीं पता कि सही है कि नहीं है। अच्छा कर लिए ना बस उतना ठीक है, बाकी वो कंफर्म तो अभी अपन करेंगे, मैं सॉल्व करवाऊंगी तब हो जाएगा। आपने एक बार ट्राई करा दैट्स इनफ। चलो जिसने ट्राई नहीं करा वो गलत बात है। देखो हमेशा क्वेश्चंस करो साथ की साथ में, ठीक है, तभी आपका मैथ्स का कोर्स, अब अगर आप क्लास के पैरेलल चलोगे ना तो ही कंप्लीट हो सकता है। एक बार पीछे रह गए ना तो पीछे वाला टॉपिक कवर करोगे या करंट टॉपिक कवर करोगे, इसी दुविधा में पूरा मैथ्स का कोर्स निकल जाएगा। इसलिए इसको पीछे बिल्कुल भी मत छोड़ो है ना। और सबसे बड़ा सिलेबस भी अपना इसी का ही है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस फाउंडेशन का सबसे बड़ा है अपना, तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करो। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो क्या बोल रही है। इफ ट्वाइस ऑफ मनी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 times ऑफ मनी ऑफ बी, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ मनी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। क्वेश्चन ने बोला ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 times ऑफ बी, तो क्या आप ए रेशियो बी निकाल सकते हो? यहाँ से कैसे निकलेगा, ए इधर है अपना, बी को उठा करके इधर ले जाओ एंड इस ए को इधर ले जाओ, बी मल्टीप्लाई में है इधर आकर के डिवाइड में हो गया एंड ये, तो 5:2 ये अपना रेशियो बन गया 5:2। सिंपल सा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली अपने होते हैं देख करके भी हो सकते हैं, ये तो समझाने के पर्पज से मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ा, अदरवाइज तो ये देख करके ट्वाइस ऑफ ए इज 5 times ऑफ बी तो आपको हो जाना चाहिए कि 5:2 इसका रेशियो है, प्रैक्टिस से हो जाएगा ये। 5:2 ए बाय बी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 5/3 इज टू 2:1/4, मतलब क्या बोला क्वेश्चन ने आपको, इसको हटा देते हैं। एक तो आपको दे रखा है 5:3 एंड उसका रेशियो आपको किससे निकालना है 2:1/4, तो 2:1/4 को अपन कैसा लिख सकते हैं, 4 सेम रहेगा, 4 2 8, 8+1 is 9, इसकी जगह अपन 9/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है 9/4 एंड रेशियो आपको मैंने कल ही बताया था, इसके अंदर अगर आपको रेशियो का साइन हटाना है तो क्या कर सकते हैं अपन, 5/3 मल्टीप्लाई 4/9, मल्टीप्लाई लग जाता है एंड रेसिप्रोकल हो जाता है, सो 5 4 20, 9 3 27। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो रेशियो कैसा होगा, लेसर इनइक्वालिटी या फिर ग्रेटर इनइक्वालिटी? लेसर इनइक्वालिटी है, देखो इनइक्वालिटी है ये तो आपको दिख गया, ये दोनों ऑप्शंस तो गलत है, अभी आपको दिख रहा है इनइक्वालिटी है, कैसी इनइक्वालिटी है, लेसर या फिर ग्रेटर? लेसर। लेसर बिल्कुल एकदम करेक्ट, लेसर इनइक्वालिटी बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जादू टू दैट ऑफ मधु इज 4:5, प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ मधु इज
30 ईयर्स। अच्छा, और उसकी एज भी दे रखी है, रेशियो तो दे रखा है साथ में उसकी एज भी दे रखी है आपको मधु की, और पूछी किसकी है, जादू की। क्या कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन में, आपको 4/5 इन दोनों की एज का रेशियो दे रखा है, आपको एज दे किसकी रखी है, मधु की, एंड पूछी किसी है अपने से, जादू की। तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से। Yes. कितना कितने साल आ जाएगी उसकी एज, 24। हाँ 24, बिल्कुल ठीक है, 24 साल, 24। क्वेश्चन क्लियर है सबको, एज वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ही आते हैं अपने। ओके, 13th वाला क्वेश्चन, रेशियो निकालना है हमको किसका, 5 kg 55 grams का एंड 35 kg 50 grams। ठीक है, 1 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 grams। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां से अपन इस केजी को भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम हो गया, और टोटल में अगर अपन इसके निकालें तो 5055 grams आ गया पहले वाले का, एंड सेकंड वाले का कितना आ जाएगा, 35055। 35 kg दे रखा है, 35,000 प्लस 50, तो 35050, ये आपके रेशियो आ गए, 5055/35050। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, हो गया ये वाला क्वेश्चन, बी ऑप्शन आएगा, हाँ बी आ जाएगा बिल्कुल, वो तो अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसकी तो दिक्कत नहीं है। और वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहां तो आपको साफ दिख रहा है कि 5 से कट रहा है, मान लो कोई ऐसा आपका रेशियो आ जाता है जिसमें नहीं दिमाग चल रहा है कि किससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने से जो भी अपना आंसर आएगा 5055/35050, ये आ रहा है अपना 0.144, वो आप यहां पर सॉल्व करके देख लो किससे बन रहा है 0.144। अगर अपन 5/7 करते हैं तो ये आता है 0.714, सेकंड वाले को करके देखते हैं, 1011/7010 0.144। इन केस किसी को दिमाग नहीं लगाना कि ये, यहां तो जैसे देखो 5 है तो सिंपली आपको दिख रहा है कि 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, बट अगर कभी नहीं दिमाग चल रहा, बिकॉज एग्जाम में भी 1 घंटा ही मिलता है ना अपने को करने को, 1 आवर का ही टाइम रहता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा टाइम लगाए कि मैथ्स में ज्यादा टाइम लगाए, मैथ्स टाइम को ना मैनेज करने के लिए दे रखी है, क्योंकि मैथ्स में टाइम कम लगता है, स्टैट्स में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, आ गया ये वाला क्वेश्चन सबका, यस मैम। ओके, नेक्स्ट 14th वाले क्वेश्चन के लिए क्या पूछ रहा है, रेशियो निकालना है आपको 1 year 6 months, 2 year 2 year 6 months। तो अपन सबको मंथ में लेकर के आ जाते हैं, तो 1 year इज इक्वल्स टू 12 months, तो इसको अपन मंथ्स में चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पर 18 months आ गया, यहाँ पर अपना 24 आ गया, ठीक है, एंड ये अपना आ गया 24, 2 साल तो 24, और ये 6 मतलब 30 अपना, ठीक है, 18:24:30। ठीक, सबको अपन ने सेम काइंड में चेंज कर दिया, ईयर था तो ईयर को मंथ में कर लिया, अगर ये सेम काइंड में चेंज नहीं होता तो रेशियो डिटरमाइन नहीं कर पाते अपन, क्योंकि आप ईयर से मंथ में चेंज कर सकते हो, तो आपने चेंज करा और रेशियो फाइंड कर लिया। जैसा एक क्वेश्चन अपन ने करा था, मीटर
एंड रुपी का रेशियो बताओ, तो ये आप चेंज ही नहीं कर सकते ना, मीटर से रुपी, रुपी से मीटर, ये कोई आप कन्वर्जन कर ही नहीं सकते। और कन्वर्जन नहीं कर सकते मतलब सेम काइंड में नहीं ला सकते, तो रेशियो बन ही नहीं सकता। फाइन, लास्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा, किस किस का हो गया ये लास्ट वाला क्वेश्चन? जिसका हो गया और आंसर आ गया, मतलब आंसर तो जो भी आया, जिस जिसका हो गया तो वो बताओ मुझे। चलो मैं अभी आपको 2 मिनट देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो। एग्जैक्टली 2 मिनट ही है। 15th वाला क्वेश्चन। हाफ ऑफ मनी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ मनी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ मनी ऑफ सी। आपको ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। दो मिनट का समय अपने पास। ऑप्शन ए ठीक है, डिंपल का आ रहा है ऑप्शन ए। और करेक्ट है, ऑप्शन ए होगा। कैसे देखो, हाफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सी। मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, और जो भी ये डिनोमिनेटर में ये होता है ना, ये इनकी वैल्यूज ही होती है। मतलब ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, तो सिंपली अपना रेशियो क्या आ गया, 2:3:4। ठीक है, क्वेश्चन वो टिपिकल लग रहा था, बाकी ये सिंपल हो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का लग रहा था। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का लग रहा था, बट आंसर इसका बिल्कुल इजी था, देख करके आप बता सकते थे। ठीक है, क्लियर? ऐसे देखो, अपने एग्जाम में ना क्वेश्चन आते ऐसे ही हैं, जो आपको दिखेंगे थोड़े टिपिकल, बट उनके आंसर बहुत जल्दी होते हैं। टाइम को देखते हुए पेपर बनाते हैं। चलो, अभी अपने 15 क्वेश्चंस हो गए रेशियो के। ओके, मतलब ऑलमोस्ट अपन ने रेशियो का जितना अपना 2016 सिलेबस के अंदर था ना, वो अपन ने रेशियो के मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब जो बाकी के क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा प्रोपोर्शन वाला लॉजिक लगता है, तो हम कल से प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेशियो कल से अपन क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोपोर्शन। तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रोपोर्शन का मीनिंग देखेंगे, देन उसकी थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, मतलब टर्म्स देखेंगे, प्रोपोर्शन वही टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन होते हैं, एंड देन उसके क्वेश्चंस। क्लियर? जब तक हमारे सिलेबस का मॉड्यूल नहीं आ जाता 22 सिलेबस का, तब तक अपन 16 सिलेबस के मॉड्यूल से काम कर लेते हैं। ओके, यस मैम। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक चीज, मैं आज आपको रेशियो के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ भेजूं, आप करोगे? यस, है ना? yes, मैं आज आपको, हाँ, यस मैम। अच्छा, मैं आज आपको रेशियोज के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शीट है ना, पीडीएफ सेंड करूंगी ग्रुप पर, आप वो क्वेश्चंस करना। ओके, थैंक यू, कल प्रपोर्शन करते हैं।